कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स, ठीक ठाक होंगे मैं उम्मीद है मुझे। तो हम बनाने लगे हैं सवैया, मीठा करने लगे हैं मुँह। तो ये मैंने लिया है एक कप के करीब सवैया और ये तोड़ लिया है। किशमिश, नारियल, आप जो भी नट्स अपनी चीज ले सकते हैं। हमारे घर में ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। 5-6 इलायचियाँ ली हैं, 1 कप के करीब चीनी ले ली है मैंने। चीनी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं टेस्ट के हिसाब से। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने वैसे ही हम यूज़ करते हैं मिल्क पैक के 2 लीटर लिया है और क्रीम भी है 1 पैकेट। और ये वनीला एसेंस नहीं है, जो केवड़ा है जो मीठे में डाला जाता है, ठीक है। इसके चंद ड्रॉप्स डालेंगे हम इसमें, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम तो दूध और इलायची मैंने पैन में डाल ली है और अब इसको हम बॉईल, हल्का सा बॉईल आने लगेगा तो फिर इसमें सवैया ऐड हो चुका है। तो बॉईल पे आ रहा है तो इसमें मैं ऐड कर दूँगी सवैया। अब ये माशाल्लाह से हमारा रेडी हो गया। इसको हमने ना हिलाते रहने ताकि कठी ना हो सेवियाँ, ठीक है। चम्मच हिलाते रहेंगे, ये जो भलाई आ रही है इकट्ठी हो रही है तो उसको भी हम रिमूव करेंगे। इसी का है मज़ेदार क्रीमी क्रीमी टेस्ट आएगा इसके अंदर। अब मैं इसके साथ चीनी ऐड करूँगी ताकि चीनी भी पानी अपना छोड़ती है, साथ ही मतलब अच्छे से हो जाए, मिक्स हो जाए और पानी वगैरह भी कुछ हो जाए और सवैया भी अच्छे से पक जाए। हम इसको पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट लो फ्लेम पे। ये देखिए, ये मेरा बॉईल आ गया और माशाल्लाह से ये हो गया, क्योंकि ठंडा होगा तो ये थिक हो जाएगा। तो अभी मैंने इसमें क्रीम भी ऐड कर दी है माशाल्लाह से। तो अब मैं इसको लो फ्लेम करके तो फिर इसमें क्रीम ऐड करके पका रही हूँ मैं, ठीक है। और अब मैं इसमें तकरीबन मिल्क पैक की क्रीम ऐड कर रही हूँ, आप जो भी चाहें फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। और मैं इसको साथ ही हिला दूंगी, ठीक है। अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ अच्छे से। 20 मिनट हो गए और आप इसकी थिकनेस भी चेक कर सकते हैं। तो अब मैं इसको फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसको ठंडा करेंगे। और जो री केवड़ा है वो इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें ऐड करेंगे। सो अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। और जो बची हुई क्रीम है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर लगाऊंगी। और किशमिश और नारियल, आपको जो नट्स पसंद है आप वो यूज़ करें और उसके ऊपर ऐड करें। हम लोगों को सिंपल पसंद है तो हम सिंपल बना रहे हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा है तो मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप इसके डाल दूंगी और फटाफट इसको हम मिक्स कर देंगे, ठीक है। और अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। बस ये हमारा मज़ेदार सा सवैयाँ मीठी रेडी हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह मज़ेदार सी सवैयाँ रेडी हैं। तो आप जो भी नट्स इसमें इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, मुझे जो पसंद है मैंने वो कर लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।